Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, तो अभी हुआ क्या है कि अभी मैं अपने फ्रेंड से मिल के आ रहा था, ठीक है। उसकी गाड़ी से उतरा और मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मेरा फ़ोन नहीं है, तो मैंने अपने मैं सोचा कि गिर नहीं गया, तो मैंने पहले उसको एक बगल में एक व्यक्ति था उससे मैंने बातें की, बोला कि भाई थोड़ा मुझे फ़ोन करने थे। उसने मुझे फ़ोन किया, अच्छा व्यक्ति था, उसने फ़ोन करने दिया। और भाई उसके बाद फिर मैं वो फ़ोन उठा नहीं, आई थिंक उसे गाड़ी में था या क्या था, मुझे लगा कि गाड़ी में ही होगा, तो उसने उठाया नहीं अननोन नंबर देख के, खैर मैं समझ सकता हूँ। फिर मैं वहाँ से फिर अपने घर चलने गया, घर निकल गया उसके लिए, तो थोड़ा देर के बाद जाके मुझे याद आया कि अरे यार, मतलब मैं एक बार देख तो लूँ कि कहीं से गाड़ी में गिरा है कि उसके नीचे, मतलब नीचे गिर गया तो मैं मुझे मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो मैं वहाँ गया तो वहाँ गिरा हुआ नहीं था, तो मुझे उम्मीद था कि चलो किसी ने शायद ले लिया होगा, नहीं तो उसे गाड़ी में होगा। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं वहाँ से फिर सीधा घर गया। घर जाने के बाद मेरे पास एक जो अपना आईफोन है जिसे अभी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ये इसने मेरी जान बचाई, इसमें मेरा व्हाट्सअप था। तो मैं घर गया, व्हाट्सअप से उसको पहले फ़ोन किया, पहले कंफर्म किया कि फ़ोन है कि नहीं, तो उसने बोला हाँ फ़ोन है, फिर मैं वहाँ से निकल गया। खैर अभी मौसम बहुत ठंडा से चला हुआ है, तो अभी एकदम दिमाग मेरा बॉगलिंग हो गया था। मैं 10 मिनट के लिए मैं बिना फ़ोन का था, अभी मैं फ़ोन का हूँ क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। जहाँ भी होगा तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके उससे मैं बातें कर लूँगा, तो यहाँ तक तो है मेरे पास। तो व्हाट्सअप होने का भाई फ़ायदा है, आईफोन होने, और मेरा बहुत प्यारा फ़ोन है भाई, माइक्रोमैक्स का फ़ोन है भाई वो, तो उसको तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई। तो चलो ठीक है, बढ़िया है भाई, तो यही बताना था आपको। चलो देखते हैं, फ़ोन लेने के बाद आप लोग से बातें करते हैं। रोड तो बहुत अच्छा है, बाबूजी का मेरा बाइक है, अच्छा चल रहा है, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना, वो वाला बाइक है। और बहुत दिनों बाद मैंने रात में राइड किया भाई, पटना के रात में मैंने बहुत दिन बाद राइड किया है। अब शायद मुझे एक आध सुपर बाइक मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, मैं देख लूँगा सुपर बाइक। मतलब मैं चाहता हूँ कि सुपर बाइक पटना के सड़कों में, इस सड़कों में भाई दिख जाए भाई मेरे को, प्लीज़ पटना में कोई तो सुपर बाइक चलाता हो यार। हे गाइस, सुपर बाइक वाले हो यार, एक बार दो यार, मेरे को राइड करने का बहुत मन करता है यार, प्लीज़। मैंने सुना है कि पटना में बढ़िया बढ़िया बाइक की राइडिंग आपको है ना ब्रोस, 500 में मिल जाती है, मैंने पढ़ा है कहीं, मैंने सुन नोट किया है, मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं पक्का वहाँ के मतलब राइड करूँगा मैं बाइक को, टेंशन नहीं लीजिए आप। और आप लोग भी आइए दोस्तों, पटना के जो भी लोग देख रहे हैं आइए, राइड कीजिए और मज़े उठाइए। अगर स्पोर्ट्स बाइक लवर हो गाइस तो आओगे ज़रूर, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, दोस्त अगर स्पोर्ट्स बाइक लवर फॉर देम, आ जाओ यार, मैं तो जाऊँगा भाई, मैं उस कंपनी से को जाके बात करूँगा, मिलूँगा उससे, मैं ज़रूर लूँगा। बहुत ठंडी चल रही है और थंडरिंग भी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि बस बारिश की जो रफ्तार है वो मेरी रफ्तार से कम हो, थोड़ी सी कम हो, नहीं तो अगर मैं भीग गया तो, अन्यथा अगर मैं भीग जाऊँगा तो फिर फ़ोन भी भीगेगा, मैं ही भीगूंगा, तो रिस्क थोड़ा सा, रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बारिश नहीं होगी मेरे फ़ोन लेने तक, तो अब फ़ोन लेके फट से निकलेंगे, ऑलमोस्ट आ गया ही है। ये मेदांता अस्पताल है, नया खुला है, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है मेदांता की, मतलब इतनी सॉलिड बिल्डिंग है मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक बार अगर आप, मैंने तो इलाज नहीं कराया है, मैं अंदर गया भी हूँ, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करने की मिल जाए भाई मेदांता की, तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत जल्द आपको मेदांता की टूर जरूर कराऊंगा। एक बार तो मैं जाऊंगा अपने हॉस्पिटल में, मतलब अपने नहीं, मतलब मेरे देश का, मेरे, अरे मेरे राज्य का है यार, मेरे लोग, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मिलूंगा, घूमूंगा और भाई आपको दिखाऊंगा कि ये है पटना का मेदांता अस्पताल, आइए अपना इलाज करवाइए। दोस्तों, तो हमने फ़ोन ले लिया अपने फ्रेंड से, गए थे घर पर उसके, मिल गया, ले लिया, और अब जान में जान आइए, और हम घर की ओर निकल गए हैं, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, और नहीं उस रास्ते नहीं है, थोड़ा सा पहले टर्न ले लिए और सीधे जाते तो उस रास्ते से चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रास्ता बदलेंगे क्योंकि इधर का रास्ता भी बहुत ही ज़बरदस्त है, चौखा है। तो देखो यार, फ़ोन तो भाई नो डाउट बहुत बड़ा चीज़ हुआ था आज के डेट में, फ़ोन बहुत बड़ा चीज़ हो गया यार, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके दूसरे फ़ोन ने आपको बचा लिया, मतलब ये भी तो देखो, मुझे दूसरे फ़ोन ने मुझे बचाया, अगर इसमें मेरा व्हाट्सअप नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो इसीलिए आदमी को दो व्हाट्सअप रखने चाहिए, दो अलग अलग फ़ोन रखने चाहिए मेरे हिसाब से, हमेशा दो अलग अलग फ़ोन, एक घर में होना चाहिए आपका पर्सनल फ़ोन, एक घर में होना चाहिए, एक बाहर होना चाहिए, तो इससे फ़ायदा करता है गाइस। तो ये मेरा तो समझ है कि मैं क्योंकि दो फ़ोन रखता हूँ, मैं अभी आईफोन 5S यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और गाइस, ब्लॉगिंग के लिए भाई मेरे को 5S इससे पसंद है गाइस, कि कैमरा ठीक है, साइज फ़ोन का बढ़िया है, हेलमेट अच्छे से आ जाता है,
तो मुझे गोप्रो तोप्रो की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जिनको गोप्रो की जरूरत पड़ती है उनको पड़ती होगी, बट मुझे नहीं पड़ती है। मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है एक और मैंने देखो दो दिन एक्सपेरिमेंट किए मैंने, जैसे मैंने अपने मेड इंडिया फ़ोन लिया माइक्रो मैक्स इन वन, तो भाई बहुत मस्त चल रहा है भाई, बहुत मस्त चल रहा है। मतलब इन वन की मैं क्या ही तारीफ करूँ भाई, मतलब अगर कोई मिडिल क्लास है जो सस्ता में चीप एंड बेस्ट फोन का कोई चाहता है, चीप एंड बेस्ट फोन, तो भाई जैसे स्वामी थी ना भाई, वैसे अब ये हो गई है माइक्रोमैक्स हो गई है। जस्ट जिस फेज में स्वामी था उस फेज में ये माइक्रोमैक्स आ गया है कि चीप एंड बेस्ट फोनों को बनाता है तो माइक्रोमैक्स बनाता है भाई। ये डे तो एकदम सील लग गया भाई, मैंने इसको डेली बेस भाई, अभी ये फूटा हुआ है, अभी भी स्क्रीन फूटी हुई इसकी, फिर भी ये चल रहा है। बस इसमें से दो प्रॉब्लम है, सिर्फ दो। पहला प्रॉब्लम ये है कि जब रिस्टार्ट होता है, जब इसको रिस्टार्ट करते हो या ऑफ ऑन करते हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे ना एनिमेशन पे अटकता है, इन बनता है उसका, वहाँ पे लूप में घूमता रहता है कुछ देर तक, तो घूमता है पता नहीं मुझे कभी, मैक्स ये आधे घंटे भी तक रहा है और मिनिमम ये 10 से 15 मिनट के लिए भी रहा है, या उससे कम तो 5 मिनट के लिए भी रहा है। तो ये सब हुआ है। तो खैर जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये सब जो यार ये थोड़ा सा घूम लो यार, ये अंकल भी देखो, ये भी देखो, मतलब इतना, मतलब देखो देख रहे हो पेट्रोल है बढ़िया है, बैटरी वाली गाड़ी वाले भी भाई वैसे घूमेंगे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मैनर्स की भाई बिल्कुल ही कमी है भाई, बिहार में लोगों को मैनर्स की बिल्कुल ही कदर नहीं है यार। आगे से पलट लेते यार, नहीं होता है तो नीचे से घूम जाओ यार, मतलब यार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में मतलब कुछ लगता ही नहीं है यार। यार मत तोड़ो यार, मैं कितना रिक्वेस्ट करता हूँ यार हर किसी से, मैं रिक्वेस्ट है गाइस ट्रैफिक रूल्स मत तोड़ो यार, कितनी बार बताना पड़ेगा यार एक ही चीज़ को यार, प्लीज़ समझा करो यार। मैं तो चाहता हूँ कि देखो यार वहाँ पे पहले नहीं था वो ईटा वाला, तो बढ़िया तो वो लोग ऐसे घूम जाते थे, अब गवर्नमेंट ने खर्चा भी करवा लिया है, फिर भी अपने मतलब तुम अपना पैसा खुद खर्चा करवा सकते हो, लेकिन मैनर्स नहीं ले सकते हो यार। मेरा तुम्हारा पैसा जा रहा है भाई, ठीक है ना, वो स्लैब्स रखे हैं बना के रखेंगे, मेरा तुम्हारा पैसा जा रहा है भाई, खर्चा तुम कर रहे हो यार, मत ऐसा करो, ऐसे इनकम बचाओ यार अपनी। अरे यार मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता है दोस्तों, रिक्वेस्ट है यार थोड़ा सा। तो मैं फ़ोन की बात कर रहा था, तो भाई फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है भाई, फ़ोन मतलब माइंड ब्लोइंग फ़ोन है, इसीलिए तो यही सब बातें हैं आज की ब्लॉग में, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा नहीं, यही सब रहा, थोड़ा ट्रैफिक व्रैफिक को लेके मैं बोल देता हूँ, तो यार बुरा लगा तो सॉरी यार, प्लीज़ समझो बात को यार। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देख इंडिकेटर दिया हुआ है फिर भी मतलब रेलना है यार, अरे हद है यार, मतलब यार कहाँ मैं जाऊँ यार, कहाँ मैं क्या करूँ, मुझे दूसरे से बहुत शिकायतें हैं, वो होनी तो नहीं चाहिए, बट यार चलाने वाले तो यार ढंग से चला लो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा। और जितने भी सुपर बाइक्स हैं यार एक बार मतलब भाई पटना में दिखो यार, मतलब ऐसा आम दिखो यार कि मतलब मज़ा आ जाए यार, प्लीज़ मज़ा आ जाए। सुपर बाइक्स ओनर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़ ऐसा कुछ करो यार, रेस करो, रैली करो, जो करना है को सुपर बाइक की रैली निकालो यार, रात में निकालेंगे साले को, प्लीज़ एक बार निकालो यार, मज़ा आ जाएगा। मतलब मैं पटना को मुंबई बना सकता हूँ यार, मतलब अगर मौका मिले तो मैं पटना को मुंबई बना सकता हूँ। क्या पटना में सड़कें नहीं है, देख रहे हो सड़क, देख रहे हो भाई 10 फीट चौड़ा है सड़क, और क्या चाहिए, रात की सड़क, सुनसान सड़क, 10 फीट चौड़ी सड़क, मतलब तुम रेल दो। बस एक बार मेरे को मेरा बाइकर ग्रुप बन गया, फिर तो पटना की सड़क को तो रल नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट अ बाइक सुपर बाइक गैंग, सिंपल सी बात है गाइस। गाइस तो सुपर बाइक गैंग्स पटना का बनाने का देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलो गाइस तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई माइक्रोमैक्स के पे थोड़ा सा ध्यान दे दो यार, बढ़िया फ़ोन है यार, मज़े करेंगे, देख लो यार माइक्रोमैक्स, चलो ठीक है। लावा भी देख लो यार, अपना ही फ़ोन है यार, टेंशन नहीं है। हाँ क्या होगा, अपने घर के बच्चे को दूध पिलाओ यार, दूसरे को दूध पिला रहे हो दूसरे को, ठीक है चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।